पोजिशन एरर हो गया था. नेक्स्ट अबे एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री क्या है? वेयर द ओरिजिनल फिगर इज इन करेक्ट. कॉपी कर ले. एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर द ओरिजिनल फिगर इज इन करेक्ट. ओके इसकी एग्जांपल, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं. ओके जी, ओरिजिनल फिगर इज इनकरेक्ट. ये हमने कैश सेल्स की 10,000 की, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और इसे रिकॉर्ड हमने किया कैश डेबिट 1,000 सेल्स क्रेडिट 1,000, एक जीरो कम कर दिया. एक्चुअल सेल थी 10,000 की, रिकॉर्ड हमने किया 1,000 से, ये कहलाएगा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. सेकेंड एग्जाम्पल, स्टेशनरी बाय की हमने 183 और रिकॉर्ड इसे हमने किया 188 से. ठीक है, 183 को हमने कर दिया 188, तो ये कहलाएगा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओके, इसकी एग्जाम्पल कॉपी कर लें. ओके, अच्छा, अब एरर ऑफ और ट्रांसपोजिशन एरर में डिफरेंस समझा दूंगा आपको. एक चीज कॉमन है, एक चीज डिफरेंट है. देखिए ट्रांसपोजिशन में क्या था, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन में डिजिट सेम थे, सीक्वेंस चेंज हो रहा था ना. 1 2 3 से बन गया 3 2 1, तो सीक्वेंस चेंज हुआ. 705 से हो गया 750. ठीक है, तो अच्छा अब इसमें क्या सीक्वेंस चेंज हो रहा है? सीक्वेंस चेंज होने से आपका अमाउंट तो चेंज हो गया ना, लेकिन अमाउंट चेंज होने की रीजन क्या है? सीक्वेंस चेंज होना, डिजिट सेम है. लेकिन ओरिजिनल डिजिट क्या थे आपके? 1 2 3. रॉन्ग डिजिट क्या है? 1 2 3. यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हुआ, सीक्वेंस चेंज होने की वजह से अमाउंट चेंज हो रहा है. और इसमें क्या है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, इसमें देखिए अमाउंट इसमें भी चेंज हो रहा है ना, लेकिन अमाउंट चेंज होने की रीजन क्या है? डिजिट्स का कम होना और चेंज होना. 10,000 से एक जीरो कम हुआ, 1,000 रह गए, और 183 से वन अमाउंट डिजिट चेंज हुआ, 188 हो गया. ठीक है, तो एक चीज दोनों में कॉमन है कि अमाउंट दोनों में चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज डिफरेंट है कि एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में डिजिट्स पहले में कम हुआ, एक जीरो कम हो गया, दूसरे वाले में डिजिट चेंज हो रहा है. तो डिजिट कम होने या डिजिट चेंज होने की वजह से अगर अमाउंट चेंज होता है तो वो कहलाएगा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसमें क्या डिजिट्स कम हो जाए या डिजिट ज्यादा हो या डिजिट चेंज हो, तो उसकी वजह से अमाउंट चेंज होगा, तो ये कहलाएगा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अच्छा ट्रांसपोजिशन में क्या है, इसमें भी डिजिट्स, इसमें क्या डिजिट सेम है लेकिन अमाउंट चेंज हो गया ना. यहाँ डिजिट सेम है, डिजिट का सीक्वेंस चेंज होने की वजह से अमाउंट चेंज हो रहा है. तो एक चीज दोनों में कॉमन है, अमाउंट दोनों में चेंज हो रहा है. ट्रांसपोजिशन में भी अमाउंट चेंज हुआ, ओरिजिनल एंट्री में भी अमाउंट चेंज हो रहा है, लेकिन अमाउंट चेंज होने की रीजन डिफरेंट है. ट्रांसपोजिशन में सीक्वेंस चेंज होने की वजह से अमाउंट चेंज हुआ, और ओरिजिनल एंट्री में पहले में क्या था, एक जीरो कम हुआ, इसकी वजह से अमाउंट चेंज हो रहा है, दूसरे वाले में डिजिट चेंज हुआ जिसकी वजह से अमाउंट चेंज, तो ये डिफरेंस. तो अगर डिजिट सेम रहे, सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो वो ट्रांसपोजिशन क्या रहेगा, और अगर आपके डिजिट्स कम हो जाए, डिजिट ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से अमाउंट चेंज होगा, तो वो ओरिजिनल एंट्री.
तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में अमाउंट चेंज हो रहा है, लेकिन अमाउंट चेंज होने की रीजन अलग है। ट्रांसपोजिशन में क्या है, डिजिट सेम है, सीक्वेंस चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अमाउंट चेंज हुआ। ओरिजिनल एंट्री में क्या था, जीरो कम हो गए, जीरो ज्यादा हो जाए या डिजिट चेंज हो जाए तो उसकी वजह से अमाउंट चेंज। ठीक है, तो सही, तो ये डिफरेंस याद रखिए। डिजिट सेम है, सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो ट्रांसपोजिशन एरर कहलाएगा, और अगर डिजिट्स कम हो जाए, डिजिट्स ज्यादा हो जाए या डिजिट चेंज हो जाए और उसकी वजह से अमाउंट चेंज होगा तो वो कहलाएगा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो एक चीज दोनों में कॉमन है, अमाउंट चेंज हो रहा है, लेकिन अमाउंट चेंज होने की रीजन दोनों में डिफरेंट, तो उसकी बेस पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये ट्रांसपोजिशन एरर और ये ओरिजिनल एंट्री है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। अच्छा, ये तो नाम से क्लियर है, कंप्लीट रिवर्सल मींस कि डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट में, क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट हो जाएगी ना। ओके, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ओके, बैंक से कैश विड्रॉ किया तो एंट्री होगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट ओरिजिनल, और एंट्री हमने बनाई क्या, रॉन्ग एंट्री, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कैश को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट करना था डेबिट किया, तो ये हो जाएगा कंप्लीट रिवर्सल। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, कस्टमर से हमने कैश रिसीव किया तो एंट्री होगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई हमने, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये हो गए कंप्लीट रिवर्सल। कैश को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, रिसीवेबल को क्रेडिट करना था डेबिट कर। ठीक है, तो ये है एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्स। अब नेक्स्ट है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर क्या लिखे, एरर्स विच आर कोइंसिडेंटली इक्वल एंड अपोजिट टू वन एंड अदर। मतलब कॉम्पनसेटिंग एरर क्या है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे एरर्स आ जाएं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, तो वो कहलाएंगे कॉम्पनसेटिंग एरर। अच्छा, कॉम्पनसेटिंग एरर सिर्फ ये नाम की हद तक है, इसको कोई एग्जाम्पल नहीं होगी, क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा एरर्स आएंगे तो उनकी करेक्शन हम वन बाय वन ही करेंगे, एक साथ करेक्शन नहीं होगी ना। तो ये सिर्फ नाम की हद तक है, नाम आपने याद रखना है, इसके कोई एग्जाम्पल नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल हो क्या सकती है, आप कैश का टोटल कर रहे थे, कैश का टोटल करते हुए आपने 5,000 ज्यादा ऐड कर दिए, तो कैश का बैलेंस आपका ओवरस्टेट हो गया 5,000 से। उसके बाद आप बैंक का टोटल कर रहे थे, टोटल करते हुए आप 5,000 ऐड करना भूल गए, तो बैंक बैलेंस 5,000 से कम हो गया ना। अच्छा, अब कैश भी डेबिट पे आता है 12 बैलेंस से, बैंक भी डेबिट पे, कैश आपका 5,000 से ओवर स्टेट है, बैंक बैलेंस आपका 5,000 से अंडर स्टेट कम, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आपने कोई भी एसेट था, किसी भी एसेट का टोटल आपने किया ज्यादा, 2,000 ज्यादा ऐड कर दी। रिसीवेबल की बात करें, रिसीवेबल का टोटल करते हुए आपने 2,000 ज्यादा ऐड कर लिए, और जब पेबल का टोटल करने लगे वहां भी आपने 2,000 ज्यादा ऐड कर दिए, तो अब रिसीवेबल आपके ओवर स्टेट हो गए। ट्रायल बैलेंस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड पर। पेबल भी आपके ओवर स्टेट है 2,000 से, वो ट्रायल बैलेंस में कहेंगे क्रेडिट साइड पे, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। जितने से आपके रिसीवेबल ओवर स्टेट हुए उतने ही अमाउंट से पेबल भी ओवर स्टेट हो गए, तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल होंगी, कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट। ऐसे एरर्स कहलाते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर, कि दो या दो से ज्यादा ऐसे एरर्स आ जाएं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, वो कहलाएंगे कॉम्पनसेटिंग एरर। तो ये सिर्फ नाम की हद तक होगा, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है आपने, इसकी एग्जाम्पल नहीं होगी, क्योंकि जितने भी एरर्स आते हैं कि करेक्शन तो हम वन बाय वन ही करते हैं, कंबाइंड करेक्शन नहीं होती। ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऐसे एरर आ जाए दो दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल। कैश का टोटल कर रहे थे आप, 2,000 ज्यादा ऐड कर लिया आपने, कैश आपका 2,000
ज्यादा हो गया। बैंक का टोटल कर रहे थे 2,000 ऐड करना भूल गए, बैंक कम हो गया। ट्रायल बैलेंस में कैश किस साइड पर आता है? बैंक, तो कैश ज्यादा है बैंक कम है, डेबिट साइड का टोटल इक्वल ही होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, रिसीवेबल में आपने 1,000 ज्यादा ऐड कर लिए, रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में कहाँ थे? डेबिट। पेबल में भी आपने 2,000 ज्यादा ऐड कर लिए, पेबल कहाँ थे? इक्वल होंगे दोनों साइड, फिर वो इक्वल नहीं होगा, वो कंपनसेटिंग नहीं कहलाएगा, वो तो अफेक्टिंग में चला जाएगा, वो अलग आगे पढ़ेंगे।